हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे। जो हमारी जो गाड़ी है वो ऑल्टो है, पावर स्टीयरिंग आप देख सकते हो। जो गाड़ी का साइज हमें मालूम होना चाहिए चलाने से पहले ओवरऑल, कि वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, और जहाँ पर ड्राइवर बैठेगा उससे आगे वो लेफ़्ट साइड का कॉर्नर कितना लंबा है, कितनी दूर है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इस कॉर्नर से लेके और ड्राइवर सीट का आपको एक जजमेंट होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए। तो अभी हमारे स्टूडेंट आ रहे हैं, अभी मिलवाते हैं उनसे आपको। आज की जो क्लास है वो स्पेशल होने वाली है टर्न्स वगैरह के बारे में। जो गली के टर्न्स वगैरह होते हैं, कॉलोनी की सकड़ी सकड़ी गलियां होती है, उनमें कैसे चलाना है, आपको कैसे जजमेंट लगाना है कि मेरी राइट साइड बच रही है, लेफ्ट साइड में कितना स्पेस है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। कि जितने भी अंधे मोड़ वगैरह होते हैं, टूटी फूटी रोडें होती है, तो उन पे गाड़ी कैसे चलती है, तो इन सारी चीज़ों का आपको आज नॉलेज हो जाएगा। देखते रहिए, अभी स्टूडेंट से मिलाते हैं, वो आ रहे हैं। और जब भी सामने से गाड़ी आती है तो आपको क्या करना है, अगर आगे स्पेस नहीं है तो आपको लेफ़्ट दबा के स्टॉप कर लेनी है। अभी जैसे आर्मी ट्रक आ रहा है सामने से, तो अपन लेफ़्ट दबा के और रोक लेंगे। अब स्पेस मिल रहा है तो अब अपन मूव करेंगे, अदरवाइज़ हम रोक के खड़े हो जाएंगे जब भी नैरो होती है। क्योंकि गलियां होती है कॉलोनी की, पतली रोडें होती है, इनमें आने वाले के लिए जगह छोड़ देनी है हमें। और अगर लग रहा है कि दोनों गाड़ियां फंसेगी, जो गाड़ी पहले पहुंच रही है तो उसको निकलने दो, पहले आपको रुक जाना। और अगर आपको लग रहा है कि मैं पहले पहुँच रहा हूँ तो आपको डीपर देना है ऐसी सिचुएशन में। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, दिमाग से काम लेना है। अब जैसे राइट टर्न लेंगे तो इंडिकेटर डाउन कर दिया, मिरर में चेक कर लिया, हॉर्न देंगे, फिर राइट टर्न लेंगे। दूर से लेते हैं राइट हमेशा, आने वाले के लिए स्पेस छोड़ के। तो साइड से स्कूटी आ रही थी, लेकिन उन्होंने देख लिया कि गाड़ी ने इंडिकेटर ऑन करा है, गाड़ी टर्न कर रही है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो अभी जैसे स्लोप है, स्लोप में गाड़ी अपने आप भागेगी, तो अपन को चाहे हम गियर निकाल भी लेंगे या एक्सीलेटर भी नहीं देंगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी, अपने आप चल रही है। बल्कि मेरे को ब्रेक और लगाने पड़ रहे हैं। अभी स्टूडेंट का घर आ गया है, स्टूडेंट आ जाते हैं, फिर उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो स्टूडेंट आ चुके हैं, इनसे मिलवाएंगे, अभी इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? लक्ष्य चौधरी नाम है मेरा। और ड्राइविंग क्लास को कितने दिन हो गए चलाते हुए? अराउंड 10 to 12 डेज हो गए। अच्छा, ओके। तो सबसे पहले अपने सीट एडजस्ट कर लेंगे अपन, है ना? और क्लच दबा के देख लो आप, कंफर्टेबली प्रेस हो रहा है क्लच पेडल, ठीक है? हाँ, अभी न्यूट्रल चेक करके फिर इंजन स्टार्ट कर लो। न्यूट्रल ही है? हाँ। अब लियो सेल्फ, लियो बस, ठीक है। अभी स्लोप में खड़ी है, एक लाइट आ रही है ऑडोमीटर में, वो हैंड ब्रेक की है, पार्किंग ब्रेक की है ना, तो ब्रेक हटाएंगे, लेकिन पहले गियर लगा लो, ठीक है? पाव ब्रेक पे लेके हटाओ, क्योंकि हटाते ही वो गाड़ी आगे भागेगी। अब राइट इंडिकेटर ऑन करो, अब मूव करो धीरे धीरे पीछे देखते हुए मिरर में। तो टर्निंग पे आपको मिरर्स वगैरह में देख लेना है और दोनों तरफ चेक कर लेना है। और करो टर्न, और करो, सही है। अब सीधी कर लो स्टीयरिंग व्हील, और करो, सही है, परफेक्ट है, चलो। और जितने भी ब्लाइंड टर्न्स वगैरह होते हैं उन पर अपन को हॉर्न वगैरह देना है। अभी बम्पी रोड है तो स्लो ही ड्राइव करेंगे, अभी हॉर्न दो, गली है, सही है। तो गाड़ी चलती है हमेशा रोड और लोड के अकॉर्डिंग। गाड़ी में वजन कितना है और रोड की सिचुएशन कैसी है, उसके आधार पर हमें स्पीड करनी है। अभी सेकेंड गियर लगा लो, गुड, परफेक्ट है। अभी थोड़ा खड्डे वगैरह हैं, क्लच दबा लो पाम ब्रेक पे, हाँ, इधर थोड़ा लेफ्ट में आएंगे, हाँ बस, अब छोड़ो क्लच, फिर मूव करो। तो गलियां वगैरह पे क्या है, अंधे मोड़ होते हैं, गाड़ी नहीं दिखती है सामने से जो आने वाला है, हॉर्न दो। तो उसमें हमें क्या, पाम ब्रेक पेडल पे लेना। नया ड्राइवर क्या करता है, रेस ही दबा देता है अगर अचानक से कोई आता है तो पाम ब्रेक पेडल पे भी ले लेना। हॉर्न इसलिए देना है क्योंकि क्या है कि हॉर्न की जो साउंड है वो अपोजिट साइड पहुंच जाएगी लेकिन गाड़ी नहीं दिखेगी। जैसे फिर ये गली है, हॉर्न दो, हाँ परफेक्ट है, हॉर्न दो, और
तो चेक भी कर लेंगे, ऑल क्लियर है। स्लो इनके पीछे ही राइट से ओवरटेक करेंगे, हॉर्न देके इंडिकेटर दे रही है टर्न करेगी ये, इसलिए ओवरटेक कर सकते हैं। हमेशा ओवरटेक हमें राइट से ही करना है, लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना है। तो बिल्कुल ब्लाइंड टर्न आ रहा है, दो अंधे मोड़ आएंगे, क्लच दबा लो पाम ब्रेक पे, हॉर्न दो ऐसे में, हाँ बिल्कुल। अब टर्न करने लग जाओ, स्टेयरिंग और करो बस, अब क्लच छोड़ो छोड़ो, हाँ परफेक्ट है, सीधी कर लो स्टेयरिंग व्हील, राइट इंडिकेटर ऑन करो, ब्लाइंड है बिल्कुल, राइट लेंगे लंबा दूर से, हाँ हॉर्न दे ही दिया, गुड, पीछे चेक कर लेना, सही है। तो अभी सीधी कर लो स्टेयरिंग व्हील को, चलो क्लच एकदम छोड़ दिए झटके से, इसीलिए ये झटके खा रही है। क्लच को हमेशा इतना स्लो भी नहीं कि फर्स्ट गियर के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा स्मूथली छोड़ना है अपन को। तो आगे से लेफ्ट टर्न लेंगे अपन, इंडिकेटर ऑन कर लो, जब भी लेफ्ट टर्न ले रहे हैं रोड में इंक्लूड हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, नज़दीक से नियर बाई, ज़्यादा एक्सेस नहीं जाना आगे, क्योंकि जो राइट से व्हीकल्स आ रहे हैं उनके लिए स्पेस छोड़ना है। फर्स्ट गियर लगा लो आप, स्लो करके फिर टर्न करेंगे, हाँ करो टर्न, करो करो ज़्यादा करो, देखो गाड़ियाँ आ रही ना, और करो, नहीं है स्पेस तो रोक लो, स्टॉप कर लो, अब चलो, हाँ रेस देके धीरे धीरे मूव करो, सही है परफेक्ट है। अब सीधी करने लग जाओ, हाँ और करो, राइट लेंगे इंडिकेटर डाउन नीचे, स्टॉप करेंगे आगे, रेड लाइट हो रही ना पीछे, मिरर में चेक कर लो, सही सिचुएशन, स्टॉप करेंगे अपन, क्लच दबा लो पाम ब्रेक पे, रोक लो स्टॉप कर लो। तो अभी सिग्नल हमारा जो है वो रेड नहीं है, रेड ही है, ग्रीन नहीं है, मतलब कहने का मतलब जब ग्रीन होगा तो ही मूव करेंगे हम। चलिए ग्रीन हो गया सिग्नल, तो अब चल सकते हैं बिल्कुल, स्लोली स्लोली रिलीज करो और पीछे देख लेना आने वाले व्हीकल्स को, पोजीशन मेंटेन करते हुए चलना, हाँ इधर भी चेक कर लो, सही है, गुड। दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए आपको प्री सेंस बहुत ज़रूरी है, पूर्व अनुमान, और दूसरी चीज़ ट्रैफिक सेंस भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी गाड़ी कैसे टर्न करेगी, कहाँ चलेगी, कब रुकेगी, ये सारे प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए, कब चलना है कब रुकना है। ऐसे नहीं कि आप बस अपने मस्ती में चलते रहे और आगे जाके टकरा गए, अगले को भी सेंस करना है कि उसकी स्पीड ज़्यादा है तो हमें रुकना है, और अगर उसकी स्पीड आप पहले पहुँच रहे हो तो आप निकल सकते हो, तो वो वाली बात है। तो सेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट टर्न लेना है लंबा, लेफ्ट लेना है नज़दीक से, गाड़ी चलाने से पहले अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें भी आपको चेक कर लेनी है, और साइड व्यू मिरर में देख के ही फिर चलनी है, और रेड लाइट्स वगैरह को फॉलो करना है हमेशा, जंप नहीं करना है, साइन बोर्ड्स वगैरह देखना है, और सबको अंधा मान के चलना है, और जितने भी गली कट मोड वगैरह आ रहे हैं इन पर हमें पाम ब्रेक पेडल पे लेना है, परफेक्ट। अब जब उधर देख लेंगे कि क्लियर है, दूर है वो गाड़ियाँ, हम चल सकते हैं तो चल लेंगे, फिर से पाम ब्रेक पेडल पे ले लो, झाड़का मंदिर और पेट्रोल पंप की क्रॉसिंग है, चलो छोड़ो मूव करो। तो अभी ये जो चौड़ी रोड है इस पर राइट वाली तो फास्ट लेन है, लेफ्ट वाली स्लो लेन है, तो अभी हम लेफ्ट में ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि जिसको भी ज़्यादा जल्दी हो तो वो राइट से ओवरटेक कर सके और निकल सके, हम उनके बीच में हर्डल ना बने। फिर क्रॉसिंग आ रही है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पाम ब्रेक पेडल पे आ जाएगा आपका, और हॉर्न देंगे, और हाँ बस परफेक्ट है, आप क्लच छोड़ो फिर मूव करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।